एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर आज रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। पहले आपने शिवपाल यादव को सुना, अखिलेश यादव को सुना और अब मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं। वो देश याद करेगा, वो तुम जिस देश से पाली देश से आदमी करता हो, ये कभी कभी झाक के साथ रहेगा। तो आपकी देशों का विचार, आपका विचार सही रह जाएगा। ऐसे माँ बाप ने देखा पता, ऐसे अवसर पर जो विजय के अवसर पर भी निकलना है, इसी में भी शुभकामनाएं हैं। और मैं कहता कि ये केवल विकास तो नहीं, मैंने सलाह दिया कि कुंभ विजय रक्षा कर देते हैं, लेकिन उन्हें विजय पारदर्शिता विकास पहले रखा, ऐसा नहीं करना। पहले विजय और विजय विकास विकास नहीं करना चाहिए। एक भी सर्दी अपनी बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नौजवानों से कहना चाहता हूं, नारीवादी के काम आप पढ़िए लिखिए, चिंतन करिए, कम से कम देश के बारे में भी सोचा चाहिए। आगे चल करके आपको महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना है, बेरोजगारी आपको संभालना है, इस तरह की भावना पैदा आपको होना चाहिए। केवल भैया के देना जीवन है के मैंने बहुत होगा है, देखा है प्रभावी तरह दिखाया, तो गरीब करके खून बह रहा था, बेकारी हो रही थी और भैया नौजवान का पता नहीं। जब एक बार हम पर बात क्या पड़ी, जो मानता हूं का फिर टूटा, राजा की वहां लगे हो गए तय टूटा, और समाजवादियों का क्या इतिहास रखा, अम्बेडकर पार्क में इंदिरा जी ने जैसे राखी का करना, हमारे भी राखी ने इन जवान को खाने का आधा घर बना आधा तंत्र पूर्व राखी गई, तंत्र का पंद्रह दिन हमारे भी राखी ने इन जवान को खाने का आधा घर बना आधा तंत्र पूर्व राखी गई, तंत्र का पंद्रह दिन सूझी नहीं थी, रात को नहाते थे, सवेरे बहुत जल्दी नहाते थे, ज्यादा मेरे पीछी निशाना नहीं पड़ा। की तरह आज चीजें कभी बात नहीं जा पा रही, कमर में रुझा खेल नहीं, तो ये समाजवादी आंदोलन बहुत ही ध्रुव प्रकार की बहुत प्रभावी लेकर के बना है, और इसलिए हमें समाजवादी पार्टी जब हमारे नेताओं को चाहता तो हम उन्हें गिरफ्तार हो, चाहे अरुणा जी हो, मजेदाई हो, कल्पना जी हो, एक नहीं वो हमारी बहन नहीं है पूना की, इन्होंने कितना निरुत्साहकर कितना अंतर्गत किया था, इसे मैंने समाजवादी पार्टी नाम रखा था, वो कह रहा सारी माँ पताएंगे पांचों का, यदि आप इससे ऐसे दल में आए हो, ये संघर्ष का दल है, कुर्बानी का दल है, चौकीनी की फ्री बंदी करी है, नाजाजी और चौकीनी जो फ्री बंदी हो रही है, ऐसे नहीं करेगा परवक्ता, आपको पर्वत कर्तव्य हुआ, जब संघर्ष पर अन्याय का विरोध कर रहे हैं, अन्याय करके प्रभाव में कम होता है, आपकी चूल्हे वाले भी खाना बनाने वाले प्रभाव आपकी भोजन करता है, और वो सबको खाना खिला देती है, और घरों में उनके लिए सब्जी नहीं दाल नहीं रहती है, कैसे रोटी खाकर के सो जाती है, ये महसूस तुम नहीं कर सकते हो, ये महसूस हम जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे को अनुभव है, मैंने देखा है, रोटी बनाने वाली आती है, तो पहले आप लोग खाते हैं, बदलाव आया है, अब बदलाव आया है, हम तो खा लिया आपने सामने रखे खाने लगे कुछ लोग, लेकिन सब लोग नहीं खा रहे, इसे ये है समाज की अमीर व्यवस्था, अभी देश में सुधार आया है, ये अमीर कहते सुधार लिया है, देश ने विकास की कुछ किया है, विकास कौन होना है, विकास किया है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसी ये थे देश को आगे जाने, लेकिन आज
पढ़ रहे थे, खोलकर रहे थे। मैं एक बड़े आदमी से बात की थी भाई सीमा के बारे में, हमारी दिमाग सही हो रहा है, निर्दोष मार के मारे जा रहे हैं, सोचे हुए मारे जा रहे हैं, इनका इलाज है तो चाहिए। हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का एक हो, ये भी नहीं चाहते कि हमारे निर्दोष सैनिकों की शहीद होते रहे, ये भी नहीं चाहते। गौरव को भी याद का निकाल हम लोग कह सकता से बात करें बाबू से खुद बात करें, ये मिश्राल के देश में साथ देगा, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर मानवता का मीडिया ने कहा था एक ऐसा संकट मीडिया का बने इसके लिए आएगा युद्ध बंद हो, उनकी बात पर भावों ने अमल किया लेकिन उन्हें यह तो नहीं सफल नहीं हो पाए। आज दुनिया की मानवता है, जवाहरलाल पार्टी दुनिया की मानवता को मानती है, केवल अपने देश में आपके लिए आप दुनिया की मानवता को मानने वाले लोग हैं, जवान वाले लोग हैं। ये विचारधारा की बात तो नाम रोजा की आशा इन्हें ये विचारधारा है, इनको भी पढ़िए लिखिए तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी का रास्ता सबसे कठिन है, कांग्रेस का रास्ता है और बहुत बड़ी सही का रास्ता है, ऐसे समाजवादी का बहुत बुरा नारे नारे माना है क्या है तो सीखना तो है नहीं, तो हम जानते हैं जाति बस्ती के चार पार है जाते सब आ गया थे, हमारे जाति भाजी चले तो पता हुआ है इलाहाबाद वालों को तो लगभग गलत से ली की जा रहा था और जान देने वालों का पता है सब भागे, हमारे साथ ही हुआ तो हम खड़े रह गए, पांच छह लोग लाठी पड़ी एक लखनऊ में लाठी पड़ी तो सब भाग गए, हम पांच छह लोग खड़े रह गए। मुलायम सिंह फिलहाल इस रथ यात्रा की शुरुआत में लोगों को संबोधित